आपका स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रीगल होटल में फरीदाबाद के युवक ने लगाई फांसी। करुणा कॉलेज के रेस्टोरेंट में मेडिकल छात्रों ने की तोड़फोड़। मंदिर पर आधारित पुस्तक का सांसद यशोधरा राजे ने किया विमोचन। और हजीरा चौराहे के विस्थापित ठेला चालक नए स्थान से परेशान। और अब समाचार विस्तार। सिंधे की छावनी स्थित रीगल होटल में फरीदाबाद निवासी रवि भदौरिया ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। रवि ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसकी पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। कपड़ा कुछ नहीं है गोरखपुर गए हुए थे। गोरखपुर से इनको फरीदाबाद जाना था। इनका रिजर्वेशन था संपर्क क्रांति में। जब ये सुबह नहीं पहुंचे तो घर वाले चिंतित हुए, तो उन्होंने फोन पे लगाने का कोशिश किया इनको संपर्क में लेने का, लेकिन दोनों मोबाइल इनके स्विच ऑफ थे। स्विच ऑफ होने के बाद फिर आजू बाजू इन लोगों ने रिश्तेदारों में खलबली थी मची। फिर ये काफ़ी देर तक तय करते थे। 3 बजे करीब ये फरीदाबाद संबंधित थाने में गए। तो SHO साहब ने कहा कि आप ट्राई करते रहें, लग जाए फोन तो मेरे को बता देना, तो मैं लोकेशन टावर लेके आपको बता दूंगा एग्जैक्टली इनकी पोजीशन कहाँ है। तो शाम को करीब 6:15 इनका मोबाइल खोला, लेकिन ये रिसीव नहीं कर रहे थे कॉल। ये कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने फिर कहा आप मैसेज भेजिए इनको। इन्होंने 2-3 दफ़े मैसेज भेजा, तो उन्होंने मैसेज रिसीव करके मैसेज का जवाब दिया कि MLB रीगल होटल MLB रोड ग्वालियर ठहरा हुआ। हाँ नहीं, मैसेज ले ठहरा हुआ का नहीं, रीगल होटल MLB रोड ग्वालियर, केवल इतना ही उन्होंने मैसेज दिया। तो ऐसे तो सामने कहा कि ग्वालियर की लोकेशन है ये, तो उन्होंने तुरंत ग्वालियर आ संपर्क किया कि आप लोग ऐसे ऐसे तुरंत पहुँच जाओ। तो फिर वहाँ पहुँचे तो दरवाजे अंदर से लॉक था, खुल नहीं रहा था। तो इंदरगंज पुलिस को बुलाया तो उन्होंने दरवाजा तोड़ के देखा, ये टंगा पाया। क्या कारण रहा घटना, क्या कुछ पता नहीं है, कुछ सुसाइड नोट वगैरह वो बरामद हुआ है पुलिस के पास है, कुछ मालूम पड़ा कुछ नहीं उन्होंने कुछ ये कल है ये रवि भाटिया सर्गीस मोतीलाल भाटिया उम्र 54 साल निवासी है 23 सेक्टर मकान नंबर 767 फरीदाबाद के। ये कल आए थे 2:30 बजे करीब सिंधे के छावनी MLB रोड में रीगल होटल है, वहाँ पर इन्होंने एंट्री करा के ठहरने के बाद अपने रूम में रहे। पुरानी छावनी थाना अंतर्गत एक ही परिवार में विवाद हो गया। विवाद में बहू बेटों ने अपने ससुर अतवल सिंह की लाठियों से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल अतवल सिंह को ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या हुआ था, हमारी चाची खेत पर फसल लेने के लिए जा रही थी, तो उनको ये पीटने लगे सन्नाम राम सुंदर और महेंद्र 3 जने। देखते हुए हमारे पिताजी बैठे थे वहीं कुआ पर, तो उन्होंने पीछा कि क्यों पीट रहे उनको, तो उनको छोड़ के सीधा सिर में लट मार दिया पिताजी के। फिर उसके बाद में हमारी मम्मी जी पहुंची, पीठ में भी मारा
था और पीछे से मम्मी जी पहुंच गई, तो मम्मी जी के भी मार दी, सिर में लट मार दिया और एक और पीठ में भी मार दिए। बेंजी पहुंच गए पीछे, बेंजी को भी सिर में लट मार दिया एक। उसके बाद में गांव वाले आ गए, सबने बीच बचाव करवाया, फिर भी उसके बाद में दो पकड़ गए और एक फरार है। मैं नाम राम सुंदर महेंद्र तीन। श्री 170 तीर्थकर महामंडल विधान महोत्सव का समापन रथ यात्रा के साथ हुआ। सांसद यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा स्वर्ण मंदिर पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। रथ यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर पर समाप्त हुई। मंदिर दिन में अनेक धार्मिक ग्रंथों की संख्या के साथ साथ 955 हस्तलिखित पोथियां यानी कि ग्रंथ के अतिरिक्त कागज पर बने अनेक चित्रों के साथ साथ नेमी चंद्रिका की विचित्र पोथी विशिष्ट है। बड़ा मंदिर जी अध्यक्ष श्रीमान अनिल जी जैन धरोहर का सुव्यवस्थित अभिलेखीकरण अध्ययन एवं प्रकाशन हो। मेरा नाम है शुद्धात्म प्रकाश शास्त्री, मैं अखिल भारतीय जैनवा फेडरेशन ग्वालियर का महामंत्री हूँ। क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ अभी? 170 तीर्थंकर महामंडल विधान चल रहा है, दो दिन से चल रहा है, आज तीसरा दिन है, समापन का दिन है। सरोज कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी, मंगल श्री ट्रेडर्स की ओर से कार्यक्रम यहाँ संचालित किया जा रहा है और कार्यक्रम को संचालित करने के लिए मंगलायतन अलीगढ़ से पंडित संजय कुमार जी जेवर वाले, साथ में लोकल के बहुत सारे 10-15 लोग विद्वान है वो यहाँ आए हुए हैं, उनके द्वारा ये कार्यक्रम चल रहा है। और आज अभी अंदर श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया सांसद की ओर से स्वर्ण मंदिर के ऊपर एक बहुत सुंदर परिचय पुस्तक लिखी हुई है, उसका विमोचन का कार्यक्रम चल रहा है। करोड़ताल स्थित दो रेस्टोरेंट मेजबान एवं सेवन स्पाइस में मेडिकल छात्रों ने तोड़फोड़ कर दी। रेस्टोरेंट संचालक का कहना है कि फ्री में खाना न दिए जाने के कारण ये तोड़फोड़ की गई है। पहले कोई कर लाइए थोड़ा तो।
महेंद्र पाल। महेंद्र जी बताएं क्या घटनाक्रम हुआ आपके यहाँ? रात को 11 बजे हम लोग शटर डाल के अपना क्लोज करके चले गए। सुबह जब आकर के देखा मैनेजर मेरा आया सुबह सबसे पहले, तो देखा दो फ्रिज नीचे पड़े हुए मिले। पता नहीं पड़ा, सुबह आकर के देखा केवल फ्रिज नीचे पड़े हुए मिले। उस समय तो पता जा रहा है कुछ लड़के मेडिकल कॉलेज के थे। अब रात को पता है, मैंने तो देखा नहीं एक्चुअली, मैं तो चला गया था। सीसीटीवी कैमरे में इसके बोझ आए हुए हैं। मैंने एक्चुअली मैं तो ताला डाल करके चला गया था। सुबह में उनको मैनेजर और ये लड़के आए सफाई वाले, तो उसने देखा है। आपका होटल किस नाम से है? सेवन स्पाइस नाम से। कंप्लेंट कर दी? अभी हम लोग जा ही रहे सर थाने। नुकसान कितना क्या हुआ? बस नीचे कोल्ड ड्रिंक के नीचे बोतल पड़ी हुई है, बाकी नुकसान तो जो है कुछ लड़कों के नाम मानो फ्रिज टूटे हुए पड़े हैं। मेरा चालू। किस नाम से आपका? मेजबान रेस्टोरेंट। ये निरंजन वगैरह मतलब फुटेज में देख के पता चला है कि निरंजन और आशु तो बटेले आए हैं बाइक से। कितने बजे की घटना है? 12:30। मेडिकल छात्र। नर्सेज एसोसिएशन मध्य प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश में मेल स्टाफ नर्सों की भर्ती कराए जाने की मांग को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कि वहाँ पर जितने केस आते हैं कैजुअलिटी आती है एकदम सडन, सारे एक्सीडेंट सडनली के आते हैं, वहाँ महिलाओं के लिए नहीं होती। जिससे उसमें क्या कर रहे हैं प्रोत्साहित कर रहे हैं, और दूसरा 25% 33% भी नहीं है ग्वालियर में जितने भी कॉलेज चल रहे हैं। लगभग मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नर्सिंग तैयारी हब है तो ग्वालियर है, और उसमें 70-80% लड़के यदि आप सर्वे कराएंगे। जो जीआर मेडिकल कॉलेज में फीमेल भर्ती निकली हुई हैं, उसमें मेल नर्सों को पार्टिसिपेट नहीं किया जा रहा है। गलत तरीके से न्यायालय में जीआर मेडिकल डीन द्वारा कागजों को प्रस्तुत किया गया है, और उस पर कोई एक ऑर्डर कराया गया है कि ये फीमेल भर्ती ली जाए, पर ये बिल्कुल निराधार गणना है। जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया गया है उसमें यह दिया गया है जो शासन के नियम है उसका पालन किया जाए, उस आधार पर भर्ती की जाए। इन्हें शासन के नियम के आधार पर एक गजट पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो गजट पत्र चिकित्सा शिक्षा विभाग का है ही नहीं है, वो परिवार कल्याण विभाग का है, जो एक अलग विभाग है। उसमें इन्हें गुमराह करके ये भर्ती निकाली है। उस भर्ती का नर्सिंग स्टूडेंट एसोसिएशन समझ नर्सिंग छात्र ग्वालियर के और ग्वालियर के बाहर के कल सुबह 9 बजे आ रहे हैं, और इस महिला भर्ती को जो गलत तरीके से की जा रही है उस इंटरव्यू को हम वॉकआउट करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना देंगे और डीप को ज्ञापन देंगे। 373 नर्सों की भर्ती निकाली है, और ये हम दूर विश्वास क्या रखते हैं, उसमें मुश्किल से 60-70 भर्ती हो पाई, क्योंकि मध्य प्रदेश में महिला इतनी है ही नहीं। पूरे ग्वालियर में जो कॉलेज चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में कॉलेज चल रहे हैं, 80% मेल नर्स पढ़ रहे हैं। अगर मेल नर्स की ये भर्ती करना नहीं चाहते हैं तो बच्चों को 3-4 लाख रुपए जो खर्च करके अपने घर से कर्जा लेने के पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य को खराब कर रहे हैं। इसका हमें विरोध है, और पिछले 3 साल से हम इसका विरोध कर रहे हैं। कल इस पूरे इंटरव्यू का हम वॉकआउट करेंगे और इसका विरोध करेंगे। अगर नहीं होता है तो आगे हम चरणबद्ध आंदोलन। हजीरा चौराहे पर सड़क चौड़ीकरण का काम अभी थमा नहीं है। इसी क्रम में मछली मंडी के दुकानदारों को दुकान खाली करने के लिए कहा गया। कभी भी इस क्षेत्र में तुड़ाई होना संभव है। हमारे संवाददाता पवन राठौर से दुकानदारों ने इस संबंध में चर्चा की। इसके लिए प्रक्रिया जारी है, यहाँ पे आवागमन को दुरुस्त करने के लिए चौड़ा किया गया है। अभी रोड से संबंधित और कुछ एक्सेसरीज, डिवाइडर और फुटपाथ और रोटरी जैसी चीजें बनेगी, और आज ही यहाँ पे हम चाहते हैं कि आज रात से फ्रीली ये डामर का काम पूरा होकर यहाँ से गाड़ियाँ मूव करें और यहाँ से आवागमन में लोगों को सहूलियत मिले, इसलिए इसलिए हमारे मुद्दे काम कर रहे हैं। ये अभी मार्केट भी मार्केट में 11 दुकानें खाली कराई गई हैं, क्योंकि वो नगर निगम की दुकानें थी और पहले भी खाली कराई गई थी, और उन दुकानों का भी रिव्यू किया जाएगा तात्कालिक रूप से, जिनको हटाया गया उनको खाली किया जाएगा। आपके रूप से कब्जा था क्या लोगों से? क्या बात हो गई जी? अवैध रूप से था बात होता है, अलॉट नहीं किया नहीं, इसके विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जो उन लोगों का आरोप है जो प्रभावित हैं, कल भी मिल रहे थे कि निगम प्रशासन ने कोई हमें ना नोटिस दिया है ना कोई हमें सही कार्रवाई की और ज्यादा कंटिन्यू नहीं करी। और आरोप हजीरा चौराहे से विस्थापित ठेला चालकों को इंटक मैदान में मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। उनकी बिक्री घटकर 10% रह गई है, जिसका उनके जीवन यापन पर असर पड़ रहा है। रोजीलाल नाम है सर। किसकी दुकान है आपकी? क्रॉकरी की। क्रॉकरी की। कितने क्या भावनी बट्टा हुआ कि नहीं अभी तक? इस समय साहब 20 रुपए की बिक्री हुई है सिर्फ। बस कितने दिन से लगा रहे हैं यहाँ? यहाँ 10 दिन हो गए हमें। ये यहाँ बैठा हूँ, एक हफ्ता मुझे हो चुका है। दूर दराज से यहाँ आसपास के हजीरे चौराहे पर जो दुकानें लगाते थे विकलांग भाई,
उनको अचानक एकदम उनको वहाँ से ठीक कर यहाँ पर फेंक दिया गया। यहाँ पर 8 दिन से ना तो वो खाने के ना पीने के रहे ना किसी के, कभी 2 रुपये कभी 3 रुपये लेके जाते यहाँ से, जो वहाँ अजीरे चौराहे पर उनकी बिक्री होती थी उससे अपने घर का अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। आज वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं यहाँ पर, या तो प्रशासन इनकी देख रेख कर रहा है। प्रशासन से भी यही मांग है, हम लोगों ने आज हम संगठन ने भी यह निर्णय लिया कल हम एक दिवस ये धरना देने जा रहे हैं। अजीरे चौराहे पर जिस विकलांग की दुकान टूटी है उसके समर्थन में हम लोग कल एक धरना देंगे। हो सकता है कि साथ साथ हमको उसके लिए आगे भी कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। हम संगठन की ओर से समस्त लोगों से भी आग्रह करना चाहिए हम लोगों का सहयोग करें, और जिन भाई बंधुओं की दुकानें टूटी वो आके भी हम लोगों का समर्थन करें। और साथ ही इस बार तो उन्हें वैसे करना भी नहीं चाहिए था, लेकिन आगामी त्यौहार होने के बावजूद ही उनके ऊपर एकदम से एक घास सी गिरी है। या तो ये त्यौहार के बाद करते, या करना भी था इनको ऐसी व्यवस्था, पहले इनको बनाना था कई दुकान, उसके बाद इनको तोड़ना था जो इन्होंने करा, लेकिन व्यवस्था ना होने का इनको अचानक तोड़ दिया गया। और मेरा तो हमारा संगठन की ओर से और जनता की ओर से यही मांग है, आगे भी अगर जो दुकानें टूटी जा रही पहले उनकी व्यवस्था करी जाए, उसके बाद फिर उनको वार्निंग दी जाए। मैनिस्टे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही अयोध्या सिटी का उद्घाटन आज किया गया। यह सिटी ग्वालियर वासियों के लिए उनके सपनों को साकार करेगी। अयोध्या सिटी में दरों को हर वर्ग को ध्यान में रखकर निश्चित किया गया है। आप रणवीर कॉलोनी में रहते हैं और सफेदी देखकर लग रहा है कि उम्र का तजुर्बा है, अनुभव है, और ये डेफिनेटली बताए। हाँ बताए सर, कैसे आपका आपका नाम बताए पहले। मेरा नाम आदि है पूरा समाज, इसीलिए तो जैसे उन्होंने बोला कि नगर निगम पर उन्होंने जिम्मेदारी डाली, जिम्मेदारी ली है, ये हमारी गलती है, हमारी गलती है। तो इसका मतलब बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, मरीज जब जो दवाई देते है हमारे ग्वालियर में खास तौर पर, क्या लगता है सॉल्व होगा कभी, या टाउनशिप में किस तरह से उसे रखना चाहिए? टाउनशिप में तो यूज कर रहे हैं अपन, तो इसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि अभी सिटी में बना रहे हैं जो, तो अभी तो उन्होंने बहुत छोटे डाल दिए, पहले नहीं था। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर 10 साल बाद दूसरी प्रोसेस चेंज। मैडम प्राची सिंह है, आप बताना चाहेंगे? अयोध्या सिटी की आज हमें लॉन्चिंग की है, अयोध्या सिटी पूरा 15 बीघा का प्रोजेक्ट है ग्वालियर में। सही बात है बताने के लिए, पूरा 15 बीघा का प्रोजेक्ट है ग्वालियर में, जिसमें प्लॉट्स 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK अपार्टमेंट्स, रो हाउसेस और डुप्लेक्सेस आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन को लेकर इसमें रेंज जो हमारी शुरू हो रही है 10 लाख मात्र से शुरू हो रही है, और इसमें जो हाईएस्ट रेंज गया है 445 लाख का है, ये अप्रोक्सीमेट रेट है, डिस्काउंटेड प्राइस आज के लिए। आपको इसमें मतलब पार्टनरी या आपका क्या इसमें सहयोग? मैं यहाँ पे सेंटर हेड हूँ अयोध्या सिटी में, सेल्स एंड मार्केटिंग ब्रांडिंग मेरा सब मैं। क्या क्या सुविधा इसमें जो आपकी टाउनशिप है गेट बंद टाउनशिप है, इसमें जो भी सीसीटीवी कैमरा सिक्योरिटी रहेगी, 24 घंटे पावर बैकअप रहेगा, पानी की सप्लाई, सीवर वगैरह एक चीज, और इसमें आप कहीं भी खंबे नहीं देख रहे होंगे। एक्चुअली हमें पूरा अंडरग्राउंड फिटिंग करना है, तो कोई भी आपको जो ब्रेकेज होता है गर्मी सर्दियों में खंबे टूट जाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारी सिटी में। बिल्कुल सही बात है, सड़क चौड़ी होनी चाहिए। पहली बार ग्वालियर में हम लोग हर डुप्लेक्स के अंदर जो रो लग्जरियस विला है उसमें आप स्विमिंग पूल लेके आ रहे हैं। आजकल तो क्रिश जो है, ये अभी तक ऐसा कोई दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं है, पहली बारी हो रहा है, पहली बारी ग्वालियर में हो रहा है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी पूरे मध्य प्रदेश में पहली बार। मुख्य समाचार एक बार फिर, रीगल होटल में फरीदाबाद के युवक ने लगाई फांसी। करूरा तालुके के रेस्टोरेंट में मेडिकल छात्रों ने की तोड़फोड़। मंदिर पर आधारित पुस्तक का सांसद यशोधरा राजे ने किया विमोचन। और हजीरा चौराहे के विस्थापित ठेला चालक नए स्थान से परेशान। ये थी शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें, कभी न रहे खबरों से वंचित। लॉगिन कीजिए www.khabarpan.in। अभी इजाजत दीजिए।